बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, आपका मेजबान शकील हैदराबी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको इमरान खान की एक और कामयाबी बताने जा रहा हूँ। जो जनरल बाजवा के हवाले से इमरान खान की कामयाबी सामने आई है कि जनरल बाजवा को इमरान खान ने इतना एक्सपोज किया उनकी बातें, उनकी साजिशें, उनकी कहानियाँ, उनके यानी कि उनकी हर एक्टिविटी कौम के सामने रख दी और कौम को बताया कि किस तरह जनरल बाजवा ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, किस तरह जनरल बाजवा ने पाकिस्तान को फायदा पहुँचाया, किस तरह जनरल बाजवा ने एक हुकूमत को चलती अच्छी भली चलती हुकूमत को नुकसान दिया, उसको साइड पर खड्डे लाइन लगवाया और किस तरह पाकिस्तान के ऊपर चोरों डाकुओं को मुसल्लत कर दिया। पिछले दिनों भी परवेज इलाही को बिठाकर, केपीके की अहम शख्सियत को बिठाकर जब इमरान खान ने स्पीच की और जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद की तो फिर उसके बाद परवेज इलाही का इंटरव्यू आ गया और जनरल बाजवा ने परवेज इलाही के साथ कॉन्टेक्ट करके उनको इंसल्ट भी किया, उनको डांटा भी कि इमरान खान मेरे खिलाफ इतनी बातें कर रहा था और आप चुप करके बैठे रहे, आपने कोई एक्शन नहीं लिया था। यह बात परवेज इलाही ने मीडिया के ऊपर आकर खुद बताई कि जनरल बाजवा मेरे साथ कॉन्टेक्ट किया और फिर मेरी इंसल्ट की, या मुझे उन्होंने कहा कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए थी जो जैसी बातें हुई हैं। लेकिन अब इमरान खान को रोकने में जब हर जानिब से जनरल बाजवा नाकाम हुआ है तो अब ये खबरें सामने आ रही हैं और ये खबरें कोई लोकल खबरें नहीं है, बड़ी अथेंटिक खबरें हैं। हारून रशीद पाकिस्तान के एक बड़े नामवर साफी हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि अब जनरल बाजवा ने इमरान खान को पैगाम भिजवाया है कि खुदा का नाम मानो मेरी जान छोड़ दो, खुदा का नाम मानो मेरे ऊपर तनकीद करना बंद कर दो, खुदा का नाम मानो मेरी जो मेरे से गलती हो गई है उस गलती को, अगर गलती हुई है या नहीं हुई है उसके हवाले से तुम बात करना छोड़ दो, कौम बड़ा ही मेरे बारे में नेगेटिव सोच रही है, कौम बड़ा ही बुरा सोच रही है और इमरान खान ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ी तफसीलात बताऊंगा और जनरल बाजवा का जो पैगाम इमरान खान को आया है वो भी बताऊंगा, मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना है कि आप इमरान खान की हुकूमत को खत्म करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार किसको समझते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर नाम उस बंदे का, उस शख्सियत का जरूर बता दीजिएगा कि जिसके बारे में आपको ये यकीन है कि इमरान खान की हुकूमत खत्म करवाने में जो किरदार अदा किए गए उनमें से सबसे ज्यादा किरदार इस शख्सियत का है या इस बंदे का है। अब मैं आपको बताता हूं नाजरीन के पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ होते हैं माजी के अंदर मुशर्रफ, कितनी लोग मुशर्रफ के खिलाफ रहे जब उसकी हुकूमत रही, मुशर्रफ जब रिटायर हुआ तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां उसके ऊपर तनकीद की जाती रही तो वहीं पर उसके चाहने वाले भी बहुत ज्यादा थे, मुशर्रफ के बारे में पॉजिटिव बातें करने वाले भी बहुत ज्यादा थे और मुशर्रफ ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को जिस तरह रिप्रेजेंट किया था उसकी मिसाल माजी के अंदर और कहीं भी नहीं मिलती थी और आज भी उसकी मिसालें मिलती हैं। मुशर्रफ ने जिस तरह पाकिस्तान की मुईशत को बेहतर करने के लिए इकदाम उठाए थे, जिस तरह रेस्क्यू 112, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मुशर्रफ लेकर आया था, जिस तरह मुशर्रफ ने बच्चों को सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को खाना, दूध, सेब तक, फ्रूट तक प्रोवाइड करने में कामयाबी हासिल की थी, तो उस मुशर्रफ की जब उसने वर्दी उतारी और उसने हुकूमत छोड़ दी थी तो उसके बाद उसके ऊपर तनकीद हुई मगर इतनी ज्यादा तनकीद नहीं हुई थी। उसके बाद और भी आर्मी चीफ आते रहे, राहिल शरीफ है, राहिल शरीफ की तस्वीर आज भी ट्रकों के पीछे है, लोग आज भी उसको सल्यूट करते हैं, लोग आज भी उनसे प्यार करते हैं, लोग आज भी उनकी इज्जत करते हैं, लोग आज भी उनके साथ एक अच्छा दिली रिश्ता बनाने का सबूत देते हैं और उनका नाम लिखकर बड़े एहतराम के साथ उनके बारे में बात करते हैं। यानी कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ रिटायर्ड होते रहे हैं, आवाम को उनसे अगर इख्तलाफात थे भी सही तो उसके बावजूद भी उनकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे कारनामे थे कि जिनको पाकिस्तानी बड़ा पसंद करते थे और जनरल बाजवा को जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया गया, जनरल बाजवा के साथ जो हशर किया गया, इमरान खान ने जनरल बाजवा को जितना एक्सपोज किया है तो उसके बाद पाकिस्तान की 72 साल तारीख में कोई ऐसा आर्मी चीफ नहीं बचता है कि जिसको रिटायरमेंट के बाद इस तरह से इतनी ज्यादा बातें, इतने ज्यादा ताने, इतने ज्यादा इल्जामात सुनने पड़े हों और फिर उन इल्जामात की शरह इस हद तक बढ़ गई हो कि इल्जामात लगाने वाली शख्सियत को वो बंदा खुद रबते करे या पैगाम भिजवाए कि खुदा का नाम मानो मेरे ऊपर थोड़ा हौसला कर दो, मुझे मेरी बात थोड़ी कम कर दो, मेरे ऊपर तनकीद करना थोड़ी कम कर दो, मेरे ऊपर इल्जाम लगाना थोड़ी कम कर दो। और इसकी एक वजह है, अब जनरल बाजवा मीडिया के ऊपर तो आ नहीं सकते हैं, जनरल बाजवा का जो जब उनकी एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटीज यही होंगी कि वो अपने रिलेटिव्स के दोस्तों, अपने रिलेटिव्स के, अपने दोस्तों के घरों के अंदर जाते होंगे, किसी शादी के अंदर चले जाते होंगे, किसी बर्थडे पार्टी के अंदर चले जाते होंगे, कहीं पर गैदरिंग होती होगी, पर्सनल लाइफ तो उनकी आखिर है ना, तो उस पर्सनल लाइफ के अंदर भी जनरल बाजवा के लिए बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि जब जहां पर भी वो जाते हैं तो डेफिनेटली लोग इमरान खान की तकरीरें तो पूरा पाकिस्तान सुनता है, तो वो इमरान खान की बातें सुनकर फिर जनरल बाजवा की तरफ देखते हैं, जनरल बाजवा को पता चल जाता है कि मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं या इमरान खान ने इनके जहनों के अंदर कौन कौन सी बातें ठोंस दी हैं, कौन कौन सी बातें फीड कर दी हैं, कौन कौन से इमरान खान की बातें ये सच्ची मानते हैं और मेरे बारे में ये कौन कौन से एंगल से क्या क्या बात सोचते हैं। तो जनरल बाजवा के लिए बेसिकली अब शायद अपने घर से निकलना भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा था और उनके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा था कि वो लोगों के अंदर जाते, पब्लिक प्लेस के ऊपर जाते या लोगों से मिलते या किसी की शादी, किसी की गमी के अंदर जाते। तो इसलिए अब इमरान खान को ये पैगाम भिजवाए जा रहे हैं, इमरान खान को ये पैगाम मौसूल हो रहे हैं कि जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद को कम किया जाए, जनरल बाजवा से अगर कोई गलती हुई है, अगर कोई गलती नहीं हुई है तो उसके ऊपर खामोशी अख्तियार कर ली जाए। एक तवील अरसे जनरल बाजवा को इमरान खान मुसलसल तनकीद
का निशाना बना रहे हैं और ये तनकीद विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती चली जा रही है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ज्यादा होती जा रही है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर ज्यादा अग्रेसिव होते जा रहे हैं इमरान खान। और यही वजह है कि जनरल बाजवा ने भी इमरान खान को पैगाम भेजा है। मगर इमरान खान के बारे में अगर बात करें, इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, इमरान खान की सोच को देखें, इमरान खान के विजन, इमरान खान के नजरिए को देखें, इमरान खान की उस वजह को देखें जिस वजह के ऊपर वो जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद करते हैं, तो फिर इमरान खान भी कहीं ना कहीं सच्चा जरूर नजर आता है। इमरान खान भी कहीं ना कहीं ठोस शवाहिद के साथ खड़ा हुआ जरूर नजर आता है। इमरान खान भी कहीं ना कहीं अपनी बात में, अपनी बात की जो हकीकत है कौम को समझाने में जरूर कामयाब होता नजर आता है, क्योंकि इमरान खान ने बार बार कौम से खिताब करते हुए वाजे तौर पर ये बातें की हैं कि जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत खत्म अगर की है तो की है, ठीक है, उसका कोई मसला नहीं था, मगर मेरी हुकूमत खत्म होने के बाद पाकिस्तान किस तरफ चला गया, पाकिस्तान का अंजाम क्या हो रहा है, पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान के हालात क्या है, पाकिस्तान के ऊपर दुनिया भरोसा कर रही है या नहीं कर रही है, पाकिस्तान के अंदर दुनिया इन्वेस्टमेंट करने की ख्वाहिश रख रही है या नहीं रख रही है, पाकिस्तान के उन ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे हैं कि जिन ममालिक के साथ पाकिस्तान के माजी के अंदर बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, इमरान खान की हुकूमत के दौरान वो ताल्लुकात अरूज पर चले गए, इमरान खान की जो उनसे डीलें थी, जो उनसे मुआहदे थे, उनके जरिए पाकिस्तानियों को फायदा होने जा रहा था, अब उन ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं, पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के जो वसाइल हैं, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का जो माहौल है वो कैसा है, तो इस हवाले से इमरान खान कुछ रियलिटीज बताते हैं और वो रियलिटीज बड़ी तकलीफ दे हैं। इमरान खान ने कई मरतबा कहा है कि तकरीबन 7-7.5 लाख नौजवान 8 माह के दौरान पाकिस्तान छोड़ गए हैं, ये हमारी यूथ थी, ये हमारे पढ़े लिखे नौजवान थे, इनके अंदर वेल्डर थे, इनके अंदर डॉक्टर थे, इनके अंदर फिटर थे, इनके अंदर फैब्रिकेटर थे, इनके अंदर इंजीनियर थे, इनके अंदर लॉयर्स थे, इनके अंदर पुलिस में खिदमत देने की सलाहियत रखने वाले बहुत बड़े 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 नौजवान थे, इनके अंदर बहुत ऐसे हुनरमंद अफराद मौजूद थे जिनकी पाकिस्तान को बड़ी जरूरत थी, मगर 7.5 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर चले गए क्योंकि वो यहां से मायूस हो गए। इसके बाद वो ये भी कहते हैं इमरान खान के 20 लाख लोग बेरोजगार हो गए। 20 लाख लोगों का बेरोजगार होने का मतलब ये होता है, मकसद ये होता है कि फिर आने वाला वक्त पाकिस्तानियों के लिए मजीद तंग होता जाएगा, मजीद मुश्किल होता जाएगा, मजीद पाकिस्तानियों को टेंशन और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मुल्क 40 साल पीछे चला गया है सिर्फ इस वजह से कि हुकूमत इमरान खान की हटाकर करप्ट टोले को पाकिस्तान के ऊपर मुसलत किया गया था। तो इमरान खान ये सारी बातें करते हैं और कौम को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद कर रहा हूं तो उसकी कोई वजह है, मेरे पास कुछ ठोस शवाहिद हैं, मेरे पास कुछ ठोस वजूहत हैं, मेरे पास कुछ ऐसे अदाद शुमार हैं कि जो कौम को बताऊंगा तो कौम को समझ आएगी कि हमारी हुकूमत में क्या था और हमारी हुकूमत खत्म होने के बाद क्या हुआ है, और हुकूमत खत्म होने के बाद जो नेगेटिविटीज सामने आई है तो उनकी सारी रिस्पांसिबिलिटी वो हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को खत्म करने वालों के ऊपर लगाते हैं और उन लोगों के ऊपर लगाते हैं कि जिन्होंने किरदार अदा किया था, और उन किरदार अदा करने वालों के नाम कई मरतबा इमरान खान ले चुके हैं, FIR दर्ज करवाने के हवाले से भी उन्होंने कई बार नाम लिए, और फिर जनरल बाजवा के हवाले से तो वो आज तक भी तनकीद करें और ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने हुकूमत खत्म करवाने में किरदार अदा किया था। तो ये वो सारी बातें हैं जिनको पाकिस्तानी कौम को बड़े ठंडे दिमाग से सोचना होगा और फैसला करना होगा कि आने वाले वक्त किसके साथ खड़े होंगे, इमरान खान के साथ या इमरान खान की हुकूमत को खत्म करने वाले किरदारों के साथ। आपने भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताने कि आप किसके साथ खड़े हैं। अगर आप इमरान खान के सिपाही हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान की कामयाबी के लिए दुआगो हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।